बिल्कुल, इसलिए भूमिका पा रहा हूँ कि हमारे आज के जो सम्मानित मनीषी हैं उनमें से एक दो ऊपर है, बाकी के नीचे आ गए। मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर उमाशंकर राय जी का कि जो मेरे छोटे से निमंत्रण पर मैं पर्चे बाद में दे दूंगा। डॉक्टर उमाशंकर राय जी का आज अभिनंदन है, परम पूज्य छबीलाल जी गोस्वामी का अभिनंदन है, श्रद्धेय डॉक्टर रामसरी लाल शर्मा यायावाद जी का अभिनंदन है, डॉक्टर ओमपाल सिंह निडल जी का अभिनंदन है और डॉक्टर ए वी चौबे साहब का अभिनंदन है और श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी का भी अभिनंदन है। और ये अभिनंदन सिर्फ इसलिए है कि ये अभिनंदन ये है तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदर के साथ आज के इस कार्यक्रम की आयोजिका आदरणीय श्रीमती श्रीमती मान सिंह शर्मा के आदेश पर मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण में निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर उमाशंकर राय साहब का, मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर ए वी चौबे साहब का, मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर रामसरिंग शर्मा यादव जी का और आप लोग मंच पर बैठकर इस मंच को संबोधित करें। निडर जी ऊपर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आने वाले होंगे और अगर कैप्टन साहब यहाँ हो मुझे आ गए हैं क्या कैप्टन साहब, तो कैप्टन साहब और अब तो हो गया था देख लो हम रेवेन्यू के आदमी है, गीता पढ़ गया तो मैं कम नहीं होगा, गीता पढ़ने से पहले लोगों को नीचे हो सकता है। और मैं मंच पर आसीन सभी विभूतियों से एक निवेदन करूंगा कि वो ठाकुर जी के माल्यार्पण कर, सभी विभूतियां ठाकुर जी के माल्यार्पण कर यहाँ ठाकुर जी का आह्वान करें जाए। और मैं आचार्य श्री देवेंद्र कुमार शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर उपस्थित सभी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और इस सम्मान की श्रृंखला में मैं पहला सम्मान पर आदरणीय मौसी जी से पढ़ाऊंगा और उसके बाद सारे सम्मान आप लोग पढ़ेंगे और भेंट मौसी जी द्वारा की जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय बल्कि सम्मान की श्रृंखला से पहले थोड़ी सी माँ सरस्वती का आह्वान कर लिया जाए, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। उसके लिए मैं बहुत अच्छे गीतकार काशिक के सोरों की धरती से का तुलसी की धरती से आए भाई मनोज मधुबन से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और आके माँ हमारी का आह्वान करें कि माँ हमारी यहाँ आए आदरणीय भाई मनोज मधुबन।
माँ शारदे को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान ठाकुर जी के चरणों में सिर नवाकर आज के इस सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सुधीर श्रोता बंधुओं का मातृशक्ति विराजमान है, मैं सबको प्रणाम भी करता हूँ। जैसा कि दादा का आदेश हुआ है, माँ शारदे की 15 मैं विजित करता हूँ। हे माँ सरस्वती ज्ञान गायनी श्री सदा सागरु नमामि। हे माँ सरस्वती ज्ञान गायनी श्री प्रदा सागरु नमामि। हे चंद्रिका सुरवंदिता हे शारदा सागरु नमामि। हे माँ सरस्वती चंद्रवदना वैष्णवी श्वेतासना सोदामिनी। चंद्रवदना वैष्णवी श्वेतासना सोदामिनी गोमती हंसासना हे मातु वीणा पाणिनी। हे मातु वीणा पाणिनी हे 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 ज्ञान मुद्रा मालिनी। हे ज्ञान मुद्रा प्रदा सागरु नमामि। हे माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी श्री प्रदा सागरु नमामि। हे माँ सरस्वती दूर हो अज्ञान का तम ज्ञान ज्योति प्रदान हो। हो मधुर स्वर कंठ उन्नत शब्दों का उत्थान हो। शब्दों का उत्थान हो हे वरदान दो वरदायिनी। वरदान दो सादरु नमामि। हे माँ सरस्वती राष्ट्र का वैभव बड़े निज संस्कृति का मान हो। राष्ट्र का वैभव बड़े निज संस्कृति का चिंतन साध्यता संस्कार का भी ज्ञान हो। संस्कार का भी ज्ञान हो विश्व का कल्याण माँ। हो विश्व का कल्याण माँ हे भोगदा सादरु नमामि। हे माँ सरस्वती ज्ञानदायिनी श्री प्रदा सादरु नमामि।
हे माँ सरस्वती। और सबसे ज़्यादा यहाँ वर्षपूर्ण सम्मान मिला हृदय से कैप्टन साहब के लिए है जो सबकी रक्षा रहे और हम छुट्टी नहीं सुनेंगे जो इधर सभा में आगे बैठे हुए सभी मेरी मातृशक्ति मेरी सभी भाई आप सबका हृदय से स्वागत है आप मेरी उत्साह बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षता नहीं है कि आज ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने जा रही थी जिसके विषय में मैंने मुलाकात तो मेरी आज पहली बार हुई है लेकिन उसके विषय में मैंने बहुत कुछ सुना सागर उसको महाविंदा परिवार डॉक्टर उमाशंकर राजी को सम्मान किया बुधवार 16/22 साहित्य के क्षेत्र में अपनी अनूठी प्रेरणा करने वाले डॉक्टर उमाशंकर राजी का जन्म 30 जून 1962 नाम रोशिया का निकला जैसी बिसौली जिला प्रधान में हुआ था। पी एन जी में आई टी थी ऐसी शैक्षिक योग्यता वाले डॉक्टर भाई सच्चे पाठ शाम एवं चंदुआ साधु जैसी साहित्य कृतियों के रचनाकार भी हैं। साहित्य भूषण गायत्री काव्य गौरव राष्ट्र गौरव जागृति भूषण जैसे दर्जनों सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर भाई वर्तमान में संसार भारती के प्रांत के उपाध्यक्ष के साथ साथ दादी मान्यों में रखे वास्तव ग्राम में मीडिया प्रभारी के साथ साथ अपना उच्च स्थान भी रखते हैं। हम उनको आपको सम्मानित करके स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर देवी शास्त्री संयोजक संचालक मंजुल मैं जी संस्थान का अध्यक्षता मैं स्वयं बहुत बहुत आभार धन्यवाद स्वागत। इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि डॉक्टर राय जी का 100 शास्त्री जी माल्यार्पण करें हाँ एक सरस्वती का चित्र होगा सरस्वती का और ये सरस्वती का जो चित्र है इसके बारे में बात बता दूं कि आकांक्षा द्विवेदी एक बेटी गांधी उपस्थित श्रोता बंधुओं आज मुझे संचालक महोदय द्वारा यह आदेशित किया गया है कि मैं एक ऐसे शख्सियत का सम्मान पत्र पढ़ूं जो कि चिरपरिचित हैं हमारे आदरणीय गुरु हैं ठाकुर अम्बाल सिंह जी मिश्रा साहब। मुझे आज बहुत ही खुशी है कि वो मुझे आशीर्वाद दिलाएंगे। आज भावबंधना परिवार की ओर से प्रोफेसर अम्बाल सिंह मिश्रा को समर्पित सम्मान पत्र आज दिन बुधवार दिनांक 16/2022 आदर्श शिक्षक आप अपने राजनीतिक विज्ञान के ज्ञान छात्रों के प्रति आत्मिक स्नेह और आचरणगत शुद्धता के कारण अपने शिष्यों में अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। आपका आचरण आपके शिष्यों के लिए अनुकरणीय रहा है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कुशल राजनेता सफल शिक्षक उत्तम वक्ता श्रेष्ठ कवि और सफल संगठन करता रहे हैं। आपने कॉलेज में प्राचार्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा भाजपा जैसी संस्थाओं में उच्च दायित्वपूर्ण पदों का निर्वाह करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है। मान्यवर आप धलेसर क्षेत्र के सांसद के रूप में सांसद के क्षेत्र में
प्रतिनिधित्व करते हुए ओजस्वी स्वर में क्षेत्र की समस्याएं उठाते रहे। प्रतिष्ठित कोच कवि के रूप में आप सारे देश में जाने माने हैं। आपकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने आपको केंद्र सरकार द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नामित कर आपको सम्मानित किया है। आदरणीय, यह यशस्वी आप यशस्वी हैं। स्वस्थ और व्यस्त मस्त कर्मठ और जीवंत रहते हुए देश की आधिकारिक सेवा करते हुए हम रहे शताधिक वार्षिक जीवन जिए, यह हमारी मंगल कामना है। हम हैं आपके अपने उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जी, संयोजक और संचालक हमारे संचालन करते बड़े भाई मंगल महंगी जी, संस्थापना अध्यक्षा मेरी बड़ी बहन श्रीमती श्रीमणि मानपुर शर्मा साहब, ये सम्मान पत्र आज भावनदास परिवार के लोगों को समर्पित करते हैं। बहुत ही से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय गुरुवार सम्मान हुआ। डॉक्टर प्रोफेसर निडर जी बहुत अच्छे इंसान थे। उसके बाद जब अध्यापक हुए तो और ज्यादा अच्छे हुए, फिर कवि हुए तो और ज्यादा अच्छे हुए, जब से नेता हुए तो थोड़ी सी चाल चलन थोड़ा सा नेता का तो खराब हो गया, लेकिन अच्छी बात है कि अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। और इसी सम्मान की श्रृंखला में एक ऐसी विभूति मंच पर है जिसने दुश्मन से लोहा लिया, कई बार लोहा लिया, चीन से लोहा लिया, पाकिस्तान से लोहा लिया, देश की रक्षा की। और हमारे बीच में एक व्यक्ति ऐसे भी मौजूद है जो देश की रक्षा करने वालों को सिखाते हैं, उनमें जज्बा पैदा करते हैं कि देश की रक्षा के लिए आप मिलिट्री में आइए, सेना में आइए। ऐसे तैयार करने वाले जो देश के नौजवानों को उसके सेना के लिए भर्ती में प्रेरित करने के लिए एनसीसी के माध्यम से पूर्व प्राचार्य एस आर के महाविद्यालय, वर्तमान प्राचार्य एल आर इंटर कॉलेज ससराना और एनसीसी में पता नहीं अब है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इन्हें वर्दी में देखा, अच्छे से लगते थे थोड़े से। तो मैं डॉक्टर प्रभास्कर राय से निवेदन कर रहा हूँ कि देश की सेवा करने के जज्बे के साथ जिन्होंने देश की सेवा करी, आदरणीय श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी रिटायर्ड कैप्टन का अभिनंदन पढ़े और उन्हें मोदी जी के साथ सम्मानित करें। भावगंगा परिवार श्रीमान कृष्ण गोपाल शर्मा जी, सेवानिवृत्त कैप्टन
भारतीय सेना को समर्पित सम्मान पत्र बुधवार 16 फरवरी 2022 महोदय आपने जम्मू कश्मीर असम मणिपुर आदि सीमा पर सर्दी हो या गर्मी भारतीय सेना में कैप्टन जैसे पद पर रहते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश की सेवा की एवं कई बार दुश्मन सेनाओं के छक्के छुड़ाए। आपने भारत देश के कई प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का भार भी अपने मजबूत कंधों पर लिया। देश सेवा के आगे आपने अपने परिवार को भी दूसरे नंबर पर रखा। देश की सेवा एवं समाज सेवा में आपकी भूमिका अग्रणी रही। हम आपको सम्मानित करते हुए स्वयं गर्व का अनुभव करते हैं। हम आपके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। हम आपके ही उपाध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री संयोजक संस्थानक हमारे बगल में खड़े मंजूर भाई नाइक जी और संस्थापिका आदरणीय श्रीमती मानसिंह शर्मा जी राने राने कार्य का पूजा घटे करके उसे पुस्तक का रूप दिया। मेहनत की ऐसे भाई कृष्ण कुमार कनक को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो डॉक्टर रामचंद्र लाल शर्मा के अभिनंदन पत्र को पढ़कर प्रस्तुत करें और डॉक्टर रामचंद्र लाल शर्मा को अभिनंदन मौसी जी के साथ करें। भाई कृष्ण कुमार बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालक जी। यह सौभाग्य मुझे प्रदान करने के लिए कि मैं परम आदरणीय साहित्य भूषण डॉक्टर राम सिंह लाल शर्मा यायावर जी का सम्मान पत्र अभिनंदन पत्र पढ़ाऊं। भावगंधा परिवार डॉक्टर राम सिंह लाल शर्मा यायावर जी को समर्पित सम्मान पत्र बुधवार 16 फरवरी 2022 डॉक्टर राम सिंह लाल शर्मा यायावर जी MA हिंदी PhD DLit इसके अतिरिक्त आप पूर्व रीडर हिंदी विभाग SRK पीजी कॉलेज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपको साहित्य भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। साहित्य कथा में अपनी आशा और विद्वता के ओज से ओतप्रोत वह चमकते हुए सितारे हैं जिसकी चकाचौंध देश में ही नहीं विदेशों में भी बिखर चुकी है।
देश विदेश में आप अनेकों बार अनेक उपाधियों से सम्मानित किए जा चुके हैं। आप किसी परिचय के लिए आसान्वित नहीं हैं। आपको यायावर उपनाम से सर्वत्र विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाता है। सच कहा जाए तो वस्तु स्थिति यह है कि अब आपके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से सम्मान स्वयं सम्मानित होता है, सम्मानकर्ता गौरवान्वित होता है। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। हम हैं आपके उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, संयोजक संचालक मंजुल मयंक, संस्थापिका अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती श्रीमणि मान सिंह शर्मा। इसी क्रम में मैंने पहले कहा कि मंच पर डॉक्टर अजय बिहारी चौबे हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मनोविज्ञान विभाग में है एस आर के महाविद्यालय में, और आपकी नसों में खून बह रहा है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूदान मुझे दादा जी का, तो मैं उनके सम्मान पत्र के लिए जसराना से पटारे भाई श्री आदरणीय तीनों शब्द लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझसे उम्र में छोटे हैं बड़े हैं। मैं रामेश जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो उनका सम्मान पत्र पढ़े आए और मौसी जी के साथ उन्हें सम्मानित करें। हाँ जी, हाँ जी, कार्यक्रम में है तो एक फंक्शन में ही फंक्शन। धन्यवाद संचालक महोदय। भाव गंगा परिवार, भाव गंधा परिवार डॉक्टर अजय बिहारी चौबे को समर्पित सम्मान पत्र बुधवार 16 फरवरी 2022। महोदय, आप लोकप्रिय समाज सेवी, अनुकरणीय शिक्षक, कुशल वक्ता, आपका अभिनंदन करते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। अनुकरणीय शिक्षक अपने वैदुप्य, कुशल वक्ता, प्रेमपूर्ण व्यवहार और अनुकरणीय आचरण के कारण आप अपने शिष्यों में लोकप्रिय हैं। आपने सदा अपने शिष्यों के प्रेम करते हुए उन्हें शिक्षा के साथ सद्गुणों की भी शिक्षा देते रहे हैं। श्रेष्ठ समाज सेवी, आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारी रहते हुए छात्रों को समाज सेवा की प्रेरणा ही नहीं दी, उन्हें उनके द्वारा समाज सेवा करवाई थी। आप अपने व्यवहार से ही उन्हें प्रेरित करते रहे हैं। सरस कवि, आप सरस और मधुर कवि हैं। आपकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं, समाज जीवन की विसंगतियों और मूल्य पर प्रेरणा रहती है। आपकी रचनाओं में केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे समाजोत्थान का भी मार्ग प्रशस्त करती हैं। हम आपके दीर्घ एवं सक्रिय जीवन की मंगल कामना करते हैं। हम हैं आपके अपने ही
उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री जी, संयोजक मंजुल मैन जी, संस्थापिका अध्यक्षता श्रीमती शीलमणि मानसिंह शर्मा एवं संपूर्ण भाव गंधा परिवार को धन्यवाद। निखिल प्रकाशन ने आदरणीय मोदी जी की काव्य कृति भावांजलि का प्रकाशन किया और शास्त्री जी अच्छी बात है कि प्रकाशक आज खुद आदरणीय मोदी जी को अभिनंदित करने के लिए यहां उपस्थित हुए। अरे मोदी करेंगे और मैं निखिल प्रशासन की तरफ से श्रीमती नीरज शर्मा और उनकी बेटी अंकिता शर्मा से आह्वान कर रहा हूँ विमुख प्रकाशन की तरफ से प्रकाशक की तरफ से आदरणीय मोती श्रीमती मानसी शर्मा जी को सम्मानित करें। इसी श्रृंखला में मैं पदवी श्रीवास्तव जिसे निवेदन कर रहा हूं वो आए और मोदी जी का सम्मान करें। साइड से आओ
और पद्मश्री कर रही हूँ उनका सम्मान। खड़े रहें अगर कशुद ना पहले आप बैठ दें तो कोई प्रत्याशी आपको 10-20 लाख रुपए दे दे तो बैठे हुए जो वोट तो बैठे। हमारे साथी ब्रजबंधु कवि दिनेश दिनकर जी द्वारा वो थोड़े से शरीर से परेशान है आदमी पाए उनके द्वारा दो रचनाएं मड़वा के मौसी जी के लिए भेजी गई और मैं भाई प्रवीण पांडे करके आप सोच रहे आदेश दे रहा हूं मैं वो आ जाए निवेदन तो नहीं करूंगा और वो आगे ना बढ़ाएगा पढ़ के मौसी जी को बैठ कर दिनकर जी की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य की क्षण मुझे प्राप्त होंगे ये मुझे आशा नहीं थी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। सुनेगा खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय कुटिल वचन साधु सहे और सहा न जाए मेरी गुरुमा इन पंक्तियों में विद्यमान है संकटों से जूझना अपनों से प्यार उनकी पहचान है माँ वो मेरी माँ इन शब्दों से अलंकृत करूँ मैं गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है आप प्रभु की भक्ति में खुद को ढाले रखा मन की चादर को जैसी थी वैसे ही रखा धीरता गंभीरता शुचिता और पवित्रता की प्रतीक हैं आप दुखों का पहाड़ भी झुका न सका वह शक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय श्री मानसिंह शर्मा गुरुजी 93वीं वर्षगांठ पर की स्मृति में सादर समर्पित। गुरु का स्मरण शक्ति का संचार है जीवन की जीवंतता उन्हीं का आधार है गुरु की कृपा से जीवन संवरता है यह लोक क्या परलोक भी संवरता है जिसके हृदय में गुरु का नाम है प्रभु कृपा सदैव उसके साथ है गुरु मोक्ष का मार्ग बतलाता है गोविंद से बड़ा वही कहलाता है गुरु के चरणों में शत शत बार नमन पुनर्जन्म की आशाएं फिर से हो हमारा और आपका मिलन। प्रस्तुतकर्ता दिनेश दिनकर सचिव भारतीय साहित्यिक मंच धन्यवाद। एक मिनट और बस खड़ी है उसके बाद आप बैठ जाएंगे। चूंकि मैं संचालक हूं तो कुछ नाजायज फायदा तो उठा ही सकता हूं। मेरा मन है कि मैं भी कुछ आदरणीय मौसी जी को भेंट करूं और मेरी तरफ से अभिनंदन पत्र पढ़ने के लिए मैं भाई पवन तैमूरिया के नाम का आह्वान कर रहा हूँ वो आए और मेरी तरफ से आके अभिनंदन पढ़ दें और मैं अपनी धर्मपत्नी माने मौसी जी की बहन की बेटी से निवेदन हुआ कि अभी नहीं जी पढ़े उसके बाद मेरे साथ आए और मौसी जी के तौल उड़ाकर माल्यार्पण करें।
श्रीमती मां श्रीमणि मानसिंह शर्मा को समर्पित सम्मान पत्र। तीन विषयों में पर स्नातक श्रीमती श्रीमणि मानसिंह शर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मूल रूप से ग्राम करकोली जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की निवासी श्रीमती शर्मा का जन्म 24 दिसंबर 1940 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। आप 4 जून 1955 को श्री मानसिंह शर्मा के साथ पढ़े सकते हुए बनी थी। आपके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव भी आए, पर आपने वीर नारी का परिचय देते हुए समस्त परिस्थितियों का बड़ी ही जीवटता के साथ सामना किया और हार नहीं मानी। साहित्य के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान है। समाज सेवा में भी आप बढ़ चढ़ कर तन मन धन से सक्रिय रहती हैं। मेरी भाई साहब की पत्नी श्रीमती कविता वारिसदार छोटी बहन, आपने हम दोनों को हमेशा माँ का प्यार दिया है और सच भी है कि माँ ही शब्द से ही मौसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हम दोनों भैया भाभी आपके दीर्घ एवं सुख जीवन की कामना करते हैं। हम हैं आपके पुत्रवत एवं पुत्रीवत। सम्मानों की एक समाप्त होती है, उसके बाद जब आचार्य जी अभिनय लाल जी आ जाएंगे तो काव्य संध्या प्रारंभ हो उससे खाली छोटा सा एक निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं बहुत बढ़िया अच्छी लग रही है। निखिल प्रशासन जो है आया हो आदरणीय मोदी जी का सम्मान करें, रविलाल तिवारी जी तीनों लोग आ जाए। ठीक है, जैसे कागज में कार्यक्रम में देखो वहाँ से पुत्र में फोन कॉल भी करती है। इसी श्रृंखला की कड़ी में हमारे संचालन कर रहे भाई मंजुल बैंक का सम्मान करने के लिए शॉर्ट वीडियो बना ले आ गया फोन में करने के लिए शॉर्ट वीडियो लॉन्ग भी इससे बना ले शॉर्ट लॉन्ग नहीं फोटो भी फोटो खींचाती है उसके साथ तो क्लियर नहीं आती ना।
शहीद हो जाते। अभी और है और चाहिए शास्त्री जी। अब मेरी एक बात सुन ले, एक छोटी सी बात सुन ले मेरी, उसके बाद कवियों के सम्मान की श्रृंखला में शुरू करता हूँ। बाकी के सभी सरस्वती पुत्रों ने किया, बस कायम हुए थे, मैं चाहते चढ़ने आना मुझे भी चाहिए था ऊपर, मैं उनको कह ही नहीं रहा था क्यों जाए था। और मैं बल्कि आप भी आ जाओ ऊपर, हाँ संचालक महोदय भी मंच पर जाए और पुस्तक विमोचन में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। शिक्षा जगत के पुरोधा और भी अन्य विभूतियां हैं, करते तू हैं